हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के 5 सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों के बारे में बताने वाला हूं, जिनके काटने के महज कुछ घंटों के अंदर ही शिकार की मौत हो जाती है। इसलिए इस लिस्ट में कौन कौन से सांप शामिल हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, इनलैंड ताइपन। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला इनलैंड ताइपन धरती पर रहने वाला दुनिया का सबसे जहरीला और जानलेवा सांप है, जिसके डसने पर 90% ये गारंटी होती है कि शिकार की तत्काल मौत हो जाती है। दोस्तों इनलैंड ताइपन का जहर किंग कोबरा और ब्लैक मांबा के मुकाबले अधिक विषैला और खतरनाक होता है, और जिसका महज 1 से 2 बूंद जहर ही 100 हट्टे कट्टे इंसान और लगभग 250 चूहों को मौत के घाट उतार सकता है। इसके अलावा दोस्तों इनलैंड ताइपन का जहर भी बहुत तेजी से असर करता है, और इनके डसने पर मांसपेशियां सिकुड़ने, सांस लेने में दिक्कत होने, टिश्यू और नसों से खून बहने और लकवा मार जाने जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। नंबर 2, किंग कोबरा। दोस्तों भारत से लेकर एशिया के दक्षिण पूर्व में पाया जाने वाला किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है, जिसकी मात्र लंबाई देखकर ही किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। दोस्तों किंग कोबरा को किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है, और दूसरा ये कि ये दूसरे कोबरा सांप को, यहाँ तक कि क्रेट जैसे जहरीले सांपों को भी मारकर खा जाता है। इसके अलावा दोस्तों किंग कोबरास की एक और खास बात ये भी है कि इनमें जहर भले ही कम मात्रा में होता है, पर वो असर बहुत जल्दी करता है। यहाँ तक कि इनके काटने के 15 मिनट के अंदर ही शिकार को लकवा मार जाता है, सांसें उखड़ने लगती हैं और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। साथ ही दोस्तों इनका जहर एक हट्टे कट्टे हाथी को 1 घंटे में और एक इंसान को लगभग 45 मिनट के अंदर ही मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों क्या आपको सांपों से डर लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, डेथ एडर। दोस्तों डेथ एडर ऑस्ट्रेलिया का वो जहरीला सांप है जो सबसे तेज झटके से डसता है, और जिसका जहर इतना जल्दी असर करना शुरू कर देता है कि शिकार की 3 घंटे से भी कम समय में मौत हो जाती है। साथ ही दोस्तों डेथ एडर अपना रूप बदलने में भी काफ़ी माहिर होते हैं, जो पत्तों या झाड़ियों में छिप जाते हैं और फिर अपने शिकार पर हमला करते हैं। इसके अलावा दोस्तों डेथ एडर के काटने पर शिकार को लकवा मार जाता है, सेंसरी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और सांसें उखड़ने लगती हैं, और तो और एंटी वेनम मिल जाने के बावजूद भी लगभग 12 से 24 घंटों तक शिकार के मरने के चांसेस बने रहते हैं। नंबर 4, ब्लू क्रेट। दोस्तों ब्लू क्रेट भारत के उन 4 सबसे जहरीले सांपों में से एक है, जिनके डसने से हर साल भारत में हजारों लोगों की जान चली जाती है। ब्लू क्रेट जब डसते हैं तो उनके जहर की मात्रा ज़्यादा तो नहीं होती, पर उनका वही थोड़ा जहर ही इतना जानलेवा होता है कि डसने के महज चंद मिनटों बाद ही इंसान के पूरे शरीर को अपाहिज बनाकर रख देता है। दोस्तों ब्लू क्रेट की चपेट में आए लोगों में से लगभग 70% लोग इसके जहर से मर जाते हैं, और तो और 50% लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर एंटी वेनम का असर ही नहीं होता है, और एंटी वेनम मिलने के बावजूद भी उनकी मौत हो जाती है। नंबर 5, मुहावे रैटल स्नेक। दोस्तों मुहावे रैटल स्नेक पिट वाइपर स्नेक की सबसे जहरीली प्रजाति है, जो ब्लैक मांबा और किंग कोबरा जैसे जहरीले और खतरनाक सांपों से भी ज़्यादा जहरीला होता है। साथ ही ये मेक्सिको और अमेरिका के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, और इसलिए इन्हें रेगिस्तान का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों मुहावे रैटल स्नेक काफ़ी आक्रामक तो नहीं होते, पर जब उन्हें कोई छेड़ता है तो थोड़ी देर रुकने के बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ डसते हैं और एक बार में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा जहर शिकार के अंदर उतार देते हैं। साथ ही दोस्तों अगर समय रहते ही शिकार को एंटी वेनम नहीं मिला तो उसकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और महज 2 से 2.5 घंटों में ही शिकार की मौत हो जाती है।
तो दोस्तों इन सभी जहरीले सांपों में से आपको कौन सा सांप सबसे ज़्यादा जहरीला लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।